वहीं राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है। पेट्रोल डीजल और महंगाई के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट ने टोंक रोड स्थित सांगनेर पुल के पास में पेट्रोल पंप के पास धरना प्रदर्शन किया। वहीं उनके साथ साथ विधायक हेमाराम चौधरी, रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकड़ और कांग्रेस नेता रामेश्वर डूटी और पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस देश में पिछले कुछ समय से जो भयानक मारामारी आई, उसके बाद आर्थिक मंदी आई, लोग बेरोजगार हुए, श्रमिकों को पैसा नहीं मिल रहा, गृहिणियों के जेब से पैसा गायब हुआ, इस पूरे दुनिया में जब भी त्रासदी आई किसी देश में, तो हर उस देश की सरकार ने अपने लोगों का ध्यान रखने के लिए बहुत से कदम उठाए। मुझे बड़ा दुख है, बड़ा खेद है कि भारत सरकार ने इतनी बड़ी त्रासदी देश के सामने थी, इस पीड़ा के समय में जब हजारों लाखों लोगों की मौत हो रही है, हर लगभग हर परिवार कोरोना से जूझ रहा है, सेकेंड वेव से भयानक त्रासदी परिवार में हुई, ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना फैल रहा है, ट्राई ट्राई मची है, नदियों में लाशें बह रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे समय में बजाय लोगों की मदद करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस सरकार की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर, उसके क्या दाम है आज? कांग्रेस के राज में जब अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम बढ़े थे, तब भी हम लोगों ने कभी दाम बढ़ने नहीं दिए। आज 100 रुपए के पार हो गया पेट्रोल डीजल, लगभग 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है। पूरे देश में आज कांग्रेस कार्यकर्ता हर पेट्रोल पंप पर जाकर इस सरकार की नींद खोलने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जैसे तमाम विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया वैक्सीन को लेकर, जो प्रधानमंत्री जी को अपना रोल बैक करना पड़ा और अंत में घोषणा करनी पड़ी कि फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि दबाव बनेगा और केंद्र सरकार को रोल बैक करना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पड़ेंगे। ट्राई ट्राई हो रही है, गरीब तबका, मध्यम वर्ग का तबका आज सरकार की तरफ देख रहा है कि संकट की घड़ी में क्यों दाम बढ़ाए जा रहे हैं, और कोई जवाब नहीं है। टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स सरकार की जेब में जा रहा है, लोगों की जेब पे डाका डालना, लगातार टैक्स बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम होने के बावजूद लगातार दाम बढ़ रहे हैं, ये सरकार की बदनीयत है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के कदम से जनता जवाब मांग रही है और बहुत जल्द जो घमंड और अहंकार केंद्र सरकार को है वो टूटेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मुहिम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में चलाई है, उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सरकार को रोल बैक करना पड़ेगा। और ये सरकार आंख और कान बंद कर बैठी है, राजनीति तो चुनाव करने से चूक नहीं रही। देश के लोग आज चाहते हैं कि संकट के समय आर्थिक मदद हो, दाम कम हो, हर चीज का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम से फल सब्जी चीजें सब दाम बढ़ जाते हैं। आज का प्रदर्शन सांकेतिक है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए हम लोग चाहते हैं कि संकेत पूरे देश में जाए और दुनिया देखे कि हिंदुस्तान का नौजवान और मध्यम वर्ग और किसान सब कांग्रेस के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने आज ये पूरे राजस्थान में प्रदर्शन किया है हर पेट्रोल पंप के सामने। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा दबाव कामयाब रहेगा और अंततः सरकार को दाम